इससे पहले भी साहब यहाँ पे हादसा हुआ था, 3-4 गाड़ियाँ जला दिए थे, एक बंडी जला दिए थे। सुने महल्ले के बच्चे हैं यहाँ के कुछ, रातों घरों के ऊपर पत्थरे फेंक रहे। इससे पहले किराएदार थे, उनसे के साथ झगड़ा करे। ये एक मेरे घर में मकान किराए से हैं, लोगों की रात में बंडियाँ खड़ी हुई थी तो उनकी 2 बंडी जला दिए। ये लोग जो है सो भुट्टा बेचते हैं, गरीब लोग हैं। लॉकडाउन से पहले हम लोग बहुत परेशान हैं, महल्ले में इस तरह की हरकतें हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये कौन सा एरिया, कौन सा है ये? ये कृष्णा रेड्डी नगर है। इसमें आता है ये उपगुड़े में आता है, कृष्णा रेड्डी नगर। पीएस कौन सा था? ये छतरी नाका पीएस। कंप्लेन करे आप? इससे पहले कंप्लेन करे थे, 2 जनों को उठाए थे भी, फिर जहाँ को वहाँ करे थे। अब ये फिर नया काम हुआ तो क्या आपसे कुछ भी दुश्मनी है, कुछ भी ऐसा कुछ लेन देन का है क्या कुछ भी? कोई लेन देन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। बस जो है सो बेवजह घस लेना है इंसान से, बेवजह इंसान को तकलीफ देना है। सुने उनको जो है पुलिस का सपोर्ट है, वो लोग पुलिस के सपोर्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। क्या सपोर्ट है पुलिस से? पुलिस का सपोर्ट है, पुलिस वालों के साथ उठते बैठते जब ये हरकतें हो रही हैं। कभी देखे आप उनके साथ उठते बैठते? सो देखे, हाँ, वहाँ ब्रिज कने रहते, मिलते रहते ब्रिज कने, 3-4 जन है, मिलते रहते, जुलते रहते। पहचानते आप? हाँ, देखे उन लोगों को। सुने नहीं, आप पहचानते उनको? नहीं पहचानते नहीं, वहाँ मिलते रहते सब लोग। सुने यहाँ पे जीना हराम करके रखे पूरे महल्ले वालों का। अब महल्ले वाले क्या डर के कोई नहीं आके बोलता उनके बारे में। महल्ले में और भी घर हैं, 1-4 घर हैं यहाँ। सुने डर के कोई कंप्लेंट नहीं देता उन लोगों की, उनको कोई बोलता नहीं है। नहीं तो उनके साथ कोई वाकया हुआ क्या? हाँ, महल्ले वालों के साथ हुआ। इससे पहले इन लोगों की गाड़ियाँ जलाई थी सामने ठहरे हुए, इन लोगों की गाड़ियाँ जलाई थी। इससे अभी कितना नुकसान हुआ आपका? अभी तो बंडी 1-2 बंडियाँ जला दी है, तकरीबन 2-3 हज़ार रुपया नुकसान है। मगर ये क्या है, डर बिठाना है इंसान को। ये बंडी जला के दूसरे के किराएदार को भगाना, डर बिठाना। ये लोग गांव से आए, मेहनत कर रहे, क्या गुनाह कर रहे हैं? कहां से आए ये लोग? सुने ये लोग यूपी के रहने वाले आए, आके 2 महीने हुआ घर में उतर के, इन लोगों के साथ घसना चालू। कितने लोग, कितने फैमिली? ये लोग 3 फैमिली है सब। ये लोग सुबह जाते दिन भर भुट्टा बेचते गलियों में, रात में आके बेचारे सोते, और वो भी सुकून से उन लोगों को सोने दे रहे। किसी तरह उनको भगाने का मकसद है यहाँ से। चलो भाई, किसी को तकलीफ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो तो आप लोग बोल सकते, बेवजह इन गरीबों के। रात में कभी पेट्रोलिंग नहीं होती? रात में पेट्रोलिंग नहीं होती, कोई पुलिस वाला नहीं आता। इससे पहले 1-2 बार पुलिस वाले आते थे, उसके बाद वो भी बंद कर। सर्कल साहब तो साइकिल पे ऑटो में फिर रहे ना जी? सर्कल साहब आते उधर आते, इधर नहीं आते, इधर नहीं आए ना। कोई जवान आ रहा है इधर, ना कुछ हो रहा। अगर जवान को सर्कल आ तो ये काम होते ही नहीं आते। आज बंडी जलाई, कल घर में घुसते हैं, तो लिहाजा हमारी ये मेहरबानी है आपसे जो है सो इन लोगों के ऊपर कुछ भी एक लगाम लगाई जाए, जो जनता के बीच, घरों के बीच, औरतों के बीच जो खौफ बैठ गए, खौफ बाहर निकलना है इन लोगों को, जो है सो कैसा भी करके अंदर डालना है। अब आपको हुकूमत से क्या तलब है? मेरे को यही है कि सो लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मैंने रात को 3 दिन से जलाते बोले जलाए, रात को बंडिया 12-1 बज रहा था, रात को दूसरे जनों खटका मारे थे, देखे हम लोग। आप लोगों को क्या क्या तकलीफ है यहाँ पे? क्या तकलीफ नहीं, इन्हें पी के नाश्ता करा, जला दे तुम, वो कर दे तुम, बढ़िया बोल। कौन बोल रही है? इधर आता एक बच्चा। क्या नाम है बच्चे का? क्या नाम है जी? सद्दाम। सद्दाम घर बनाते टाइम भी क्या कर रहे कलीम भाई को क्या करना? भयान तो उनका ही लेना है ना। हाँ, वो तो साइलेंट ही है। एक मिनट नाम बोलो। कब?